हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेज स्टडी क्लासेस में। बच्चों, लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 विषय गणित की वर्कशीट नंबर 13 करेंगे। तो चलिए बच्चों करते हैं। बच्चों यहाँ लिखा है बड़ी संख्याओं को घातांकीय रूप में लिखना। तो चलिए बच्चों करते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ लिखा है बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, जिससे इन संख्याओं को सरलता से पढ़ा, समझा और तुलना किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो जैसे कि बच्चों आप यहाँ देख सकते हो ये a गुणा a गुणा a गुणा a। तो बच्चों यहाँ a कितनी बार है, 1 2 3 4। तो बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a पे घात 4, क्योंकि यहाँ a जो है 4 बार गुणा में लिखा हुआ है। तो a पे घात 4 लगाएंगे तो ये घात वाली संख्या क्या होगी बच्चों, घातांक कहलाएगी, और जिस पर ये घात लगी होती है उसे हम आधार कहते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे कि बच्चों आप उदाहरण से देख सकते हो यह 10,000 है। ठीक है, तो 10,000 को इन्होंने, तो 10,000 को कैसे लिखा है, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, तो कितनी बार हो गया, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों, 10 लिखेंगे और 10 पे घात 4 लिख देंगे, क्योंकि 10 4 बार लिखा है। तो बच्चों ये इसका घातांकी रूप होगा। ठीक है, 10 के ऊपर घात 4 है। ठीक है, तो बच्चों इसका अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे कि बच्चों 2 पे घात कितनी है, 6। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए ये। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे बच्चों, 2 पे घात 6 लिखेंगे और 2 को हम 6 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, इन सबका हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो इसका उत्तर बच्चों 64 होगा। इसी प्रकार बच्चों हम क्या कर सकते हैं, 81 को घातांकीय रूप में लिखिए। जैसे कि बच्चों 81 को घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे कि बच्चों हम यहाँ 81 के इसको खंड कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि 3 के पहाड़े से 81 काटा, 27 बार कटेगा, और 27 को 3 के पहाड़े से काटा, 9 बार कटेगा, और 9 को 3 के पहाड़े से काटा तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 3 को 3 के पहाड़े से काटा 1 बार। ठीक है, तो बच्चों कैसे कर सकते हैं, हम 81 लिखेंगे और ये 1 2 3 4, तो कितनी बार कटा, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, 81 बराबर 3 पे घात 4 लिख देंगे। इसी प्रकार बच्चों 648 को घातांकीय रूप में लिखिए। तो कैसे करेंगे बच्चों, 648 के खंड कर लेंगे सबसे पहले, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, इसको भी 2 के पड़े से काटेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2। अब बच्चों 81 को काटना है हमें, तो जिस प्रकार हमने यहाँ ऊपर 81 को काटा था उसी प्रकार हम 81 को यहाँ भी काट सकते हैं। तो जैसे कि बच्चों 648 लिखेंगे बराबर, और ये संख्या गिन लेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3, 3 बार 2 था तो 3 बार गुणा लगा के 2 को लिख लिया, और 1 2 3 4, और 3 जो है 4 बार था तो 3 को 4 बार लिख लेंगे गुणा लगा के। ठीक है बच्चों, अब क्या किया है, 1 2 3, 2 2 3 बार है तो 2 पे घात 3 लगा देंगे, और 1 2 3, 3 4 बार है तो 3 पे घात 4 लगा देंगे। ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों हम प्रयास करके कुछ सवाल करते हैं। जैसे कि बच्चों इसका पहला सवाल है 4 पे घात 3। तो बच्चों हम यहाँ 4 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, हम इन सबका गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा बच्चों, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो बच्चों इसका उत्तर 64 होगा। ठीक है, इसका दूसरा प्रश्न करते हैं बच्चों। यहाँ लिखा है बच्चों 8 पे घात 2, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 8 गुणा 8। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, हम 8 और 8 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 8 2 64। ठीक है बच्चों, तो यही इसका उत्तर होगा। इसका तीसरा प्रश्न करते हैं बच्चों, 2 पे घात 4 है और गुणा 5 पे घात भी 4 है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, हम 5 को भी 4 बार लिख लेंगे, 5 गुणा 5 गुणा
5 × 5, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इन सब का आपस में गुणा कर देंगे, तो कितना उत्तर आएगा बच्चों, 10,000, ठीक है। तो यही इसका उत्तर होगा बच्चों। इसी प्रकार बच्चों इसका चौथा प्रश्न करते हैं, 12 पर घात 4 है, तो हम 12 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 12 × 12 × 12 × 12, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम 12 12 का गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा बच्चों, 20,736, ठीक है बच्चों। तो यही इसका उत्तर होगा बच्चों। तो आइए बच्चों, वर्कशीट नंबर 13 के कुछ और सवाल करते हैं। यहाँ लिखा है बच्चों, घातांक के रूप में लिखिए। जैसे कि बच्चों यहाँ 405 है और 729, 128 और 49। तो बच्चों इसको हम घातांक के रूप में किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों पहला सवाल कौन सा है, 405, ठीक है। तो बच्चों हम 405 के इसके खंड कर लेंगे, 3 से इसको 3 के पाड़े से काट देंगे, 3 × 3, ठीक है। और इसमें से एक बचा इसको दे दिया, 3 × 3 = 9, एक बचा इसको दे दिया, 3 × 5 = 15। इसी प्रकार बच्चों इसको 3 के पाड़े से और काट लेंगे, 3 × 4 = 12, एक बचा इसको दे दिया, 3 × 5 = 15। इसी प्रकार बच्चों इसको 3 के पाड़े से और काट लेंगे, 3 × 3, एक बचा इसको दे दिया, कितना हो गए, 3 × 5 = 15। इसी प्रकार बच्चों इसको 3 के पाड़े से और काट लेंगे, 3 × 5 = 15। अब बच्चों इसको 5 के पाड़े से काट लेंगे, 5 × 5, तो बच्चों कितनी बार कटा ये, 3 × 3 × 3 × 3 × 5। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, 3 × 3 × 3 × 3 × 5, ठीक है बच्चों, ये हमने लिख लिया बच्चों, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, हम अब हमें इसको घातांकी रूप में लिखना है। तो बच्चों 3 कितनी बार, 1 2 3 4, तो 3 पे घात 4 लगा देंगे, ठीक है, और गुणा 5 लिख देंगे। 5 पे घात 5 कितनी बार, 1 बार, तो हम 5 पे 1 घात लगा सकते हैं, ये इसका उत्तर होगा बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों 729 के खंड करते हैं, तो बच्चों यहाँ 729 के हमने खंड कर लेंगे, तो कितनी बार आएगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ×, तो बच्चों ये 729 के हमने खंड कर लिए, कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो हम बच्चों 3 पे घात 6 लिख सकते हैं, तो यही इसका उत्तर होगा बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों 128 के खंड करेंगे, तो बच्चों 128 के हम खंड करेंगे, तो कितनी बार कटेगा, 1 2, तो बच्चों 128 के हमने खंड कर लिए हैं, तो कितनी बार कटेगा बच्चों, 2 के पाड़े से 7 बार, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चों, कितनी बार कटा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है बच्चों। बच्चों आप भी 128 के खंड करके देख लीजिएगा, तो ये 2 के पाड़े से कटेगा 7 बार, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं, 2 पे घात 7, ठीक है। तो यही इसका उत्तर होगा बच्चों। इसी प्रकार बच्चों हम 49 के खंड करेंगे, तो कितनी बार कटेगा, 7 × 7, 49 बच्चों 7 के पाड़े से 7 बार कटेगा, ठीक है। तो इसका तो इसको हम लिख सकते हैं, 7 पे घात 2, तो यही इसका उत्तर होगा बच्चों। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चों लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 विषय गणित की सभी वर्कशीट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। और बच्चों आप यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो, ताकि वह भी ये वर्कशीट आसानी से कर सके। धन्यवाद बच्चों।